हर औरत की तरह। अहमदाबाद की कीर्ति का भी एक सपना था कि उनका खुद का एक घर हो जिसे वो सजा सकें। 16 रेंटल घर बदलने के बाद कीर्ति का ये सपना तो पूरा हो गया, पर वो अपना घर नहीं सजा पाई। जब फाइनली मुझे अपना घर मिला तो मुझे वो घर को सजाने का उमंग तरंग ही नहीं रहा। कीर्ति नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति मिश्रा, अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। हाउसवाइफ प्लस ट्यूशन टीचर हूँ। लास्ट 20 ईयर्स से आई एम कंडक्टिंग ट्यूशन एट होम कंटिन्यूसली, और मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों को पढ़ाने में। मेरी शादी को 16 साल कंप्लीट हो गए हैं और मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है तिथि 10th स्टैंडर्ड में, ट्विंस हैं देव एंड दिवा 6th स्टैंडर्ड में। मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनका ट्रांसफरेबल जॉब है और उस वजह से उनका कभी भी ट्रांसफ़र होता रहता है। ट्रांसफरेबल जॉब के कारण एक नहीं 17 घर सजाने संवारने का मौका दिया मैंने कीर्ति को। 16 ईयर की शादी में 17th घर मैंने चेंज करे, ये मेरा 17th घर है। फाइनली 17th घर मेरा अपना हुआ है। 16 घर बदलने के बाद प्लस बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जब फाइनली मुझे अपना घर मिला तो मुझे वो घर को सजाने का उमंग तरंग ही नहीं रहा। और अब मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे 3 बच्चों को एक रूम में मैं कैसे रखूं? मेरे रूम में एडजस्ट करना इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट बिकॉज हम 3 भाई बहन हैं, हम 3 को साथ में बेड पे सोना पड़ता है, तो एक बेड यूज़ करना इज़ नॉट दैट कम्फर्टेबल। एक ही बेड पे सोते हैं कम्फर्टेबली, उस पर भी नहीं सो पाते। जैसे हम लोग बेड पे सोते हैं तो फिर वो दोनों कभी कभी मुझे लात मार के नीचे गिरा देते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर स्टोरेज स्पेस भी नहीं है फॉर कीपिंग आर बुक्स। और स्टडी टेबल पे अगर मैं स्टडी करने बैठती हूँ तो देव बोलता है कि मुझे करना है, तो देर इज़ हमेशा वो फाइट ही चलती रहती है। इसीलिए मुझे और मेरे परिवार को इस मेकओवर की सख्त ज़रूरत है। हेलो, कम इन। नमस्ते। हाय। लवली टू मीट यू। सेम हियर। हाय, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, हाय। हेलो अंकल। हेलो, कम कम, ऑल ऑफ यू जॉइन अस। आप दोनों के नाम क्या है? माय नेम इज दीवा। माय नेम इज देव। अभी तो दीवा लगती हो, बड़ी होके भी दीवा बनोगी? यस ऑफ कोर्स। लवली, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है आप मेरे घर पर आए। सोचा ही नहीं था कि सच में आप मेरे घर को डेकोर करने के लिए आएंगे। आप इज आवर प्लेजर टू बी हियर। यू हैव 3 लवली चिल्ड्रन, हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है उनका रूम करने के लिए। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा मैंने कि ग्रोइंग ये बच्चे हैं और उन लोगों का सेटिंग ही नहीं हो रहा है कि एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं वो रूम में। Now that we're here, हम आ गए हैं। Can we see that room that we are talking about? Please, lead the way. ये मेरे 3 बच्चों का कमरा। कमरा छोटा है, बच्चे बड़े हो गए, बढ़ते हुए बच्चे हैं, बेड छोटा ही है। सेकेंड पार्ट इज बुक शेल्फ, उन लोगों ने स्टोर रूम बना दिया बुक शेल्फ को। और फिर ये स्कूल बैग्स, जो स्पेस नहीं है तो जस्ट वो फ्लोर पर डाल देने का। ऐसे चैलेंजिंग रूम है बट वी हैव टू अप्लाई आवर माइंड्स, बट आई थिंक वी अंडरस्टूड द मेन थिंग। तो अभी बच्चों से भी पूछे उनको क्या चाहिए कमरे में। बिल्कुल, बच्चों का कमरा देख के माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज लाइक दिस रूम इज रियली स्मॉल। पहले तो यहाँ 3 बच्चे रहते हैं, सबका एज ग्रुप अलग अलग है एंड बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट नीड्स। इट्स गोना बी फन। सो हम आपकी मम्मा से तो समझ गए कि उनको क्या चाहिए आपकी रूम के लिए। व्हाट अबाउट यू? हम 3 एक साथ रूम में रहते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज अबाउट स्टडी टेबल, कि एक ही स्टडी टेबल है कॉर्नर में जो हम में से कोई यूज़ नहीं कर पाता, और वहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी नहीं है। इतनी सारी हम 3 की बुक्स है तो गिरती रहती है, इधर उधर पड़ी रहती है, तो कोई प्रॉपर एरिया नहीं है जहाँ हम उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकें। ओके। और बेड की भी प्रॉब्लम है, हम 3 साथ में बेड पे सोते हैं तो इन लोग की भी उस पर झगड़े होते हैं।
देव एंड दीवा, तुमको क्या चाहिए तुम्हारे कमरे में? मैं भी आपकी तरह ट्रांसफॉर्मेटर हूँ, मैं किसी भी चीज को देख के क्रिएटिव थिंग में ट्रांसफॉर्म करता हूँ। अरे वाह, मुझे अपने रूम में क्रिएटिव थिंग्स बनाने की जगह बिल्कुल नहीं मिलती है। मैं अगर फ्लोर पर बैठता हूँ तो मेरी मम्मी कहती है कि तू सब कुछ गंदा कर देगा, तू बालकनी में बैठ। इसलिए मुझे मेरे रूम में एक सेपरेट सिटिंग चाहिए जिसमें मैं अपने क्रिएटिव थिंग्स बना पाऊँ। और बेड पे मुझे रात में इसकी आदत है किक मारने की, तो ये कभी कभी मुझे किक मार के बेड के बाहर गिरा देती है और फिर मुझे अपने मम्मी पापा के साथ सोना पड़ता है। आई एम दीवा, दीवा डजंट किक, यू किक मी। तो व्हाट डज दीवा डू? आई लव टू डू भरतनाट्यम, पर अब मेरे रूम में बिल्कुल भी जगह नहीं है तो मुझे यहाँ आके करना पड़ता है। मुझे ड्रेसिंग करना भी अच्छा लगता है और मेरा जो ड्रेसिंग का सेक्शन है वो पूरा मेस रहता है, जगह ही नहीं है वहाँ पे मेरा सामान रखने को। स्पोकन लाइक अ ट्रू डीवा। नो, इस कमरे में तीन बच्चों को रहना है, भरतनाट्यम करना है, छोटी क्रिएटिव सी चीज़ें बनानी है, पढ़ना भी है और सोना भी है ऑन थ्री सेपरेट बेड्स, क्योंकि एक दूसरे को लात मारते रहते हैं। आई डोंट नो हाउ दिस इज गोना हैपन। तो कीर्ति, बच्चों से तो हमें बहुत क्लियर ब्रीफ मिल गई है। एंड दे आर वेरी क्लियर। एंड दे आर वेरी क्लियर। दैट हैज बीन अंडरस्टूड। अब हम आपके लिए क्या कर सकते? नहीं, आप बच्चों का कर दीजिए, उसमें ही मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वो तीनों खुश हो जाएं, बस वही चाहिए मुझे। नहीं नहीं, दरअसल कीर्ति को भी घर सजाने संवारने का बहुत शौक है, लेकिन ट्रांसफरेबल जॉब थी मेरी, उसके चलते हमारे 16 घर हमने शिफ्ट किए। 16? पूरे। हालांकि उसने हर बार उसको कैसे भी करके अपनी सोच से क्रिएटिव करने का कोशिश की और अल्टीमेटली जब अब हमारा घर हो गया है तो अब वो थक चुकी है और उसमें उसको रियली मतलब कुछ ऐसा अमेजिंग वो चाहिए कि जिससे वो इसका सपना साकार हो जाए। तो आपको कैसा घर चाहिए? Give her a moment. एकदम अलग कुछ चाहिए मुझे। 16 घर, कीर्ति हैज मूव्ड 16 हाउसेस, दैट टू व्हाइल ब्रिंगिंग अप 3 किड्स। लोगों की उम्र निकल जाती है एक घर सजाते सजाते। अगेन, बट द गुड न्यूज इज कि ये आपका अभी अपना घर है, तो अभी आपने इतनी मेहनत की है 16 घर मूव करके अपने आप सजा के, तो नाउ वील डू दैट वर्क फॉर यू। पक्का, मैं सब कुछ आप पे छोड़ रहा, क्योंकि मेरी सोच बिल्कुल खत्म हो गई। आप देख ही रहे होंगे पूरा सब कुछ खाली है, तो कुछ अलग। चलो, तो नाउ लेट्स गेट अ क्लियरर ब्रीफ ऑन दैट। कुछ अलग तो करेंगी, बट आपको कैसा घर चाहिए? यूनिक ना, एकदम यूनिक। यूनिक भी करेंगी, बट कैसा घर, व्हाट टाइप ऑफ हाउस? अलग। कीर्ति को मैं पूछ रहा हूँ आपको कैसा घर चाहिए, रिप्लाई इज अच्छा, कैसा घर चाहिए, अलग। दिस इज अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग एंड अ लिटिल फनी अंटिल आई रियलाइज दैट शी इज कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड एंड शी इज जस्ट नॉट एबल टू क्लियरली एक्सप्रेस कि उन्हें कैसा घर एक्चुअली चाहिए। एंड आई जस्ट होप दैट वी आर एबल टू गिव हर व्हाट शी इज नॉट एबल टू पुट इन वर्ड्स। सो देन कीर्ति, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हाउ डू यू स्पेंड योर डे? मैं ट्यूशंस लेती हूँ बच्चों का। ओके, डाइनिंग एरिया वहाँ पर मैं अपने बच्चों को लेती हूँ। पेरेंट्स आते हैं तो पूरा व्यू घर का दिखता है और ट्यूशंस में बच्चे वहाँ पर बैठते हैं तो इंटर बेडरूम्स एंड ऑल सब मुझे फिल्टर चाहिए कि एकदम पूरा व्यू ना दिखे बच्चों का। राइट। एंड ये सोफ़ा मेरे 16 घर के साथ में, ये भी मेरे साथ चले। रियली? ये काला से तो अब हम सब तंग आ गए, ये ब्लैक कलर्स चाहिए ही नहीं हमें। आई थिंक आपकी जो ब्रीफ है बहुत ही क्लियर है, हम समझ चुके हैं आपको क्या चाहिए, स्पेशली आपकी। एंड नाउ वी विल रिक्वेस्ट कि आप हमें अपना काम करने दें और अपना घर हमारे हवाले कर दीजिए। थैंक यू। अब मैंने अपने घर की चाबी इन्हें दे तो दी है, पर थोड़ा डर भी है कि मैं जो इतने सालों से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई, ये इतने कम दिन में और इतने कम बजट में कर पाएंगे? सुशील, चलो सेटअप कर दो। आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द बेडरूम, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, चैलेंजिंग है। आई थिंक सबसे बड़ी कंसर्न जो ये रूम में है वो है हाउ टू गेट 3 किड्स अ बेड।
ऑब्वियस ऑप्शन है बंक बेड. आई थिंक बंक बेड एट थ्री लेवल्स इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस रूम, क्योंकि उतना हाइट ही नहीं है रूम में कि आप तीन बच्चों को सुला पाओगे. ओके, एक और भी कंसर्न है ये रूम में, व्हाई द बंक बेड कांट वर्क. जाके रूम में देख लें. ओके, आई सी व्हाट यू मीन. पर क्यों नहीं कर सकते सर? सबीना, द ओनली प्लेस टू पुट अ बंक बेड इज दिस वॉल. और ये दीवार के सामने एक विंडो है और विंडो के ऊपर एयर कंडीशनर है, सो द बेड विल नॉट फिट फिजिकली. दैट्स व्हाट आई वाज वरीड अबाउट. सो वी आर बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड पीपल. चलो, बंक बेड ऑब्वियसली डजंट वर्क. आई हैव अनदर सॉल्यूशन. यहाँ ना वी कैन डू थ्री फोल्डिंग बेड्स, वन ऑन टॉप ऑफ द अदर. हाउ इज दैट? मतलब जस्ट द मैट्रेस विद अ फ्रेम, बट दे फोल्ड अप एंड दे फोल्ड डाउन. ये फोल्डिंग का कंफर्टेबल नहीं होगा एंड आई डोंट थिंक इट्स प्रैक्टिकल फॉर अ किड्स रूम. और एक ऑप्शन है, व्हाट इफ वी मेक फुल प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर तीन अलग बेड, वन हो गया लाइक दिस. बच्चों के कमरे का बेड बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, इट्स नॉट इजी. और मैं सॉल्यूशन दे जा रहा हूँ बट विशाखा कीप शूटिंग देम डाउन एवरी सिंगल ऑप्शन, शी हैज अ प्रॉब्लम विद एवरीथिंग. तो फिर एक ही ऑप्शन है, वी हैव टू अचीव थ्री सेपरेट बेड्स ऑल्सो, बट फोल्ड करके वो एक बेड बन जाए. वी कैन डू इट लाइक दिस कि इस पे ही तीन बेड है, यहाँ से ये चैनल पे बाहर आ जाएगा और लास्ट में ये भी बाहर आ जाएगा, बट वील रिटेन द डेस्क हियर. तो फिर ये घूम के यहाँ आ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना मेसी है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. इट्स बात समझ आ गई ना? नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, हाउ इज इट पॉसिबल टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल इन थ्री डेज in that much money for it to be working sensibly. थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, थोड़ा कार्पेंटर के साथ सुलझाना पड़ेगा, बट इट विल हैपन. दिस इज द ओनली सॉल्यूशन. इट्स अ बिट ऑफ अ रिस्क. विशाखा इज ऑब्वियसली नॉट हैप्पी. आई अंडरस्टैंड तीन दिन में एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना चाहिए, बट देयर इज नो वे फॉरवर्ड. वी हैव टू डू दिस. Munanda likes challenges. He likes taking risks. But I am a safe player. The problem is when Vishakha is in this zone, she is no fun to work with at all. It's not making sense to me. But this is the only thing. अभी थोड़ा तो experiment करना पड़ेगा. जितना time है, जितना budget है, this is going to be little R&D. Manage कर लेंगे. I'm not convinced. I'll do it. Moving on. Children's bedroom का plan ये है. हम इस तरीके का bed बनाएंगे ताकि जब वो बंद है single bed लगे, but जब खुला है तीन अलग bed बन जाए. Bed के पीछे की दीवार पे हम hexagon का pattern करेंगे. Bed के सामने एक लंबा desk बनाएंगे और फ्लोर पे नया वुडन फ्लोरिंग करेंगे. लिविंग रूम करते हैं. वैसे भी आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू स्केच. प्लीज अलाउ मी टू. ओ प्लीज. सो लिविंग रूम में इश्यूज हैं कि शी फील्स देयर इज नो प्राइवेसी. आई हैव अ थॉट. ऐसे नहीं कर सकते कि पूरा सीटिंग ही विंडो की तरफ रखते हैं और डाइनिंग को दरवाजे की तरफ रखते हैं. आई थिंक उससे ये भी अचीव होगा कि जब भी वो घर के अंदर आए, दे सी दिस लवली सीटिंग हियर. राइट, जो वाओ एक्सपीरियंस चाहिए फर्स्ट. राइट, तो हमें टीवी को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा. करेक्ट. और शायद ये बेसिन बॉदर्स मी कि बेसिन जहाँ से हम बैठे हैं दिखेगा, तो बेसिन को हम स्क्रीन ऑफ कर दें. करेक्ट. फिर दिस बिकम्स अ लवली एरिया फॉर द लिविंग रूम. का प्लान ये है, हम डाइनिंग टेबल को दरवाजे के पास रखेंगे, एक्सन वॉल पे स्ट्राइप का पैटर्न पेंट करेंगे, सोफ़ास को विंडो के पास रखेंगे, सोफ़ास के सामने टीवी यूनिट रखेंगे और टीवी यूनिट के पीछे एक स्क्रीन फिक्स करेंगे. डू वी ऑल एग्री? यस. आई जस्ट डोंट एग्री दैट योर स्केच इज एनी बेटर देन माइन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यस, इन प्रिंसिपल आई एग्री डिज़ाइन. ऑन दैट नोट, आई स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाटएवर योर स्केच मे बी मेक्स जीरो सेंस टू मी. तो व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन मी? जस्ट लीव इट अप टू मी. मेरे पे छोड़ दो. आई विल डू इट. ओके देन, इट्स ऑन यू. इट्स ऑन मी. कीर्ति के घर का नया प्लान रेडी है. अब हमारे डिजाइनर्स करेंगे बजटिंग. मेकओवर के लिए उनके पास है 20,000 रुपए पर रूम.
आज डे टू है, मुनिंदर और मैं साइड पे हैं। काम जोरों शोरों से चल रहा है। आज का मेरा मेन फोकस है चिल्ड्रंस बेडरूम का बेड को क्रैक करना। एक बेड बनाना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनो। इस दीवार के सामने बेड आएगा, 3-in-1 बेड बनेगा। बंद है तो एक ही बेड दिखेगा, बट दो लेयर में उसके अंदर से दो अलग बेड बाहर आएंगे व्हील्स पे। व्हाट आई वांट इज कि ये 3-in-1 बेड बनाए। दिस सॉल्व्स बोथ द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस रूम। पहला प्रॉब्लम है कि तीन बच्चे हैं, तीनों को सेपरेट बेड्स चाहिए, और दूसरा प्रॉब्लम है कि वी नीड मोर स्पेस इन दिस रूम जहाँ ये बच्चे अपने पर्सनल एक्टिविटीज कर सके। क्या साइज है सर? 3 फीट है। और लंबाई? लंबाई सर 6 फीट 4 इंच है। एक काम करो, इस बेड को बिल्कुल कोने में डालो, ठीक? इस तरफ वहां से ना मुझे 6 फुट नाप दिखाओ, ठीक? और यहाँ से डेस्क कितना है? ये सर इस पे आएगा। तकलीफ है। इसी बेड को अभी इस दीवार पे रखो घुमा के। यहाँ से मुझे 6 फुट दिखाओ कहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक आ रहा है सर, यहाँ से दीवार तक 41 इंच सर। तकलीफ ही है, ऐसे रखेंगे तो डेस्क का चेयर फिट नहीं होगा, वैसे रखेंगे तो बेड खुलेगा ही। ऐसे करते हैं, इस बेड को उसी दीवार पे रखेंगे लास्ट में फाइनल। तीनों लेयर जो है इस तरफ खुलेंगे, 1, 2, 3, बट मेरा लास्ट जो बेड है वो फिर घूम के यहाँ आ जाए, ठीक है? समझ गया ना? ठीक है। थैंक यू, चलो जल्दी करो। कीर्ति के लिविंग रूम में और एक प्रॉब्लम है, एंड दैट इज द वॉश बेसिन एरिया जो डायरेक्टली लिविंग रूम में से दिखता है। इसे सॉल्व करने के लिए मैंने सबरीना को मार्केट में भेजा है टू फाइंड मी अ स्क्रीन विच इज सेमी ट्रांसपेरेंट। बाय सेमी ट्रांसपेरेंट आई मीन दैट यू कैन सी थ्रू इट but you cannot make out what's behind it. I'm in Ahmedabad, the Guju land. Sir aur ma'am mujhe screen ke liye shopping bheja hai, par maine bahut suna Dania ke bare mein, to main yahan reh ke Dania kaise nahi khel sakti hu, to chalo Dania dhoondte hain. Aunty, Dania kahan milega? Aunty, main Dania kahan khel sakti hu? Mere sar pe khelo. Excuse me, mujhe Dania milega kahin bhi? Nahi pata hai, mujhe nahi pata hai. Excuse me, डांडिया कहाँ खेल सकते हैं? है? गाड़ी थी जैसे कैसे? दादा काफी हो गया है काम। उसका सेकंड लेयर भी तैयार है, मैं टेस्ट कर लूं? Wow, it's finally coming together. I hope it works out fine. Hello? Hello, Sabrina. Yeah, ma'am. Screen mila? Screen? Ma'am, screen na, thoda time lag raha hai uske liye. Sabrina, we don't have time. Aur suno, ek aur mujhe cheez chahiye. Just look for it while you're walking around. Ek wall hanging. 3 feet by 4 feet approximately के साइज में समथिंग इंटरेस्टिंग एंड आर्टिस्टिक। ओके मैम। दादा सर को पूछो ये बेड का हेडबोर्ड कहाँ है, मुझे चाहिए। हेडबोर्ड कहाँ है सर? I'm right here विशाखा। Fine, तो tell me हेडबोर्ड कहाँ है? मैं बेड का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम, सबसे अर्जेंट है, उसमें तुमको हेडबोर्ड की क्या जरूरत है? Let me do my work. I need it for something, yeah. Just tell me where it is. दिख रहा है तुमको कहीं कमरे में हेडबोर्ड? तो नहीं होएगा ना? भैया भैया सुनो ना। हाँ जी। मुझे ना एक ढकने वाला चीज चाहिए जो देख सकते हैं भी नहीं देख सकते हैं। देख सकते नहीं देख सकते? हाँ, मतलब पार्टीशन के जैसा ना, लाइक रूम डिवाइडर के जैसा। अच्छा पार्टीशन, मेरे पास कुछ है, मेरे को, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ। आइए, ये है। ये है? वाह इतना अच्छा है। भैया आप मुझे देख सकते हो? नहीं दिख रहे आप अभी? अब दिख रहे? अभी अब नहीं दिख रहे।
अभी अब दिख रहे अभी अभी दिख रहा नहीं है अभी अब तो आधे दिख रहे हैं। चल ये नहीं चलेगा, मुझे दूसरा पीस दिखाओ। देखिए ये है। ओ अच्छा है, आप मुझे देख सकते हो? देख रहे हो मुझे? देख रहे हो? देख सकते हो? हाँ। अच्छा मुझे ना मैडम आपको ये खरीदना है या नहीं खरीदना? मुझे लेना है ये। इसका जो आपको लेना हो तो फाइनल 3000 में आपको ये पड़ेगा। 3000? हाँ। वो मेरा बजट से बाहर है मैडम, इससे कम तो नहीं होगा। अच्छा आपका लास्ट प्राइस बताओ। लास्ट आपको चाहिए तो आपने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया था, 2500 में मैं दे दूंगा। ठीक है चलेगा। ओके ओके थैंक यू। मुझे हाँ ये आपको बाहर तक मगर। अरे नरेश हाँ अगर मुकाई देना, सवार सवार मगज कही गई। दादा ये क्या है, इसको जरा घुमाइए। बेड बैग इधर पड़ा है, मैं सारी जगह ढूंढ रही हूँ। कीर्ति का एग्जिस्टिंग टीवी यूनिट डजंट वर्क फॉर मी एट ऑल, प्रोपोर्शंस आर टोटली ऑफ और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं टू बाय एनीथिंग न्यू। देन आई रियलाइज कि बच्चों के रूम का बेड का हेडबोर्ड आई कैन प्रॉबली रीयूज दैट। अरे वाह बेड तो बन गया। तीसरा लेयर दिखाओ ना, दो तो चेक हो चुके हैं, तीसरा खोल के दिखाओ। वेरी गुड, अभी पूरा निकाल के दिखाओ। सर पूरा नहीं निकलेगा, जाम कर दें। अब हम फिक्स हो गया मतलब? मतलब इतना भी जाम है, आपसे आगे नहीं जाएगा बाहर। क्यों सर? वो हिल डुल रहा था इसके लिए अपन जाम किए। अरे बॉस हिल रहा है तो मेरे को पूछो, मेरे पास सोल्यूशन है हिलने का यार। व्हील डाल सकते हैं जिसका लॉक होता है, अभी पूरा आइडिया फेल नहीं कर सकते। डे टू खत्म हो गया है, फैमिली कल आ रही है। दादा क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं होने वाला है? सर बोल रहे हैं पूरा बाहर निकालना है मेरा, जो मैं जाम कर दें उतने पे। तो सोल्यूशन भी सर दे रहे हैं ना, तो उस हिसाब से कर दो। होगा नहीं, टाइम लगेगा सर। टाइम की बात अलग है, आप एक दो हेल्पर और बढ़ा दो और कल सुबह तक कंप्लीट कर दो कुछ भी करके। कारपेंटर ने बेड का लास्ट पीस फिक्स कर दिया है, दिस वॉज सपोज टू बी मूवेबल एंड आई हैव कम्प्लीटली लॉस्ट इट, आई एम नॉट एबल टू थिंक क्लियरली। लकीली विशाखा हैज वॉक्ड इन एंड सैल्वेज द सिचुएशन। ठीक है ठीक हो जाएगा, थैंक यू। Chill, don't stress out, it'll happen. Vishakha to the rescue, as always. And it feels so good. The most important thing for a designer is ki users ki basic requirement meet ki jaye. Abhi children's bedroom mein teen bachche ek desk share kar rahe hain. This is creating a big problem. Humne ye problem solve kiya hai, we are giving them a longer desk jahan teenon saath mein use kar sake. And we are locating it in such a way कि कमरा भी बड़ा हो जाए। ये हमारे लिविंग रूम की एक्सेंट वॉल है। कीर्ति ने हमें कहा था that she wants something warm, inviting and अलग। हमने डिसाइड किया है कि हम ये दीवार पे स्ट्राइप्स करेंगे। How this helps is कि जब कोई घर में आता है, it leads them into the living room and makes it inviting, warm. And adds character to the space. Day 2 खत्म हो चुका है, मैंने बेड का सोल्यूशन तो ढूंढ दिया है बट इट्स नॉट रेडी येट एंड आई कैन ओनली होप दैट इट कम्स टुगेदर इन टाइम। Day 3 है, काफी चीजें हो चुकी है, थोड़े बहुत फिनिशिंग टचेस बाकी है that we are running around trying to finish in time. We bought a beautiful trunk, I've polished it and we've placed it in the living room as a center table and it's looking fantastic. Love it. Vishakha, chill ya, sit down, enjoy the view. तुम्हें याद है कीर्ति ने हमें कहा था कि वो कभी भी ये व्यू एंजॉय नहीं कर सकती थी बिकॉज द डाइनिंग टेबल ऑलवेज कवर्ड द विंडो। आई नो, और इतना सिंपल फर्नीचर का रीअरेंजमेंट करके वी हैव गिवन हर व्हाट शी वांट्स। ये दीवार मेरे लिए बहुत ही प्लेन था, सो आई वांटेड सम इंटरेस्टिंग वॉल आर्ट फॉर इट। हमने ये फैब्रिक खरीदा है एंड वी हैव फ्रेम्ड इट एंड माउंटेड इट ऑन द वॉल एंड इट्स वर्किंग ब्यूटिफुली।
पर इस फ्रेम का और एक पर्पस है एंड दैट्स अ सरप्राइज फॉर कीर्ति. आई कांट वेट फॉर हर टू सी इट. दिस बेड हैज कम टुगेदर ब्यूटिफुली. आई एम सो एक्साइटेड. मेन स्ट्रेस ये था कि आई हैड नो वे ऑफ नोइंग इफ दिस वुड वर्क और नॉट टिल टुडे व्हिच इज द रिवील डे. बट अभी जो अचीव हुआ है इज जस्ट परफेक्ट. कमरे में जगह खुल गई है जहाँ ये बच्चे अपने पर्सनल एक्टिविटीज कर सकें और व्हेन इट ओपन्स अप तीनों बच्चों को इंडिविजुअल सेपरेट स्लीपिंग स्पेस मिल गई है. दिस इज जस्ट अमेजिंग. आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो टू द फैमिली. आई एम श्योर दे लव इट. बच्चों के कमरे में बेड के पीछे के दीवार पे वी नीडेड समथिंग इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ पैटर्न टेक्सचर एंड कलर ताकि ये कमरा बच्चों का कमरा लगे बट चाइल्डिश भी नहीं लगे. वी हैव सेटल्ड ऑन अ वेरी ट्रेंडी पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स. इसे अचीव करने के लिए वी हैव कट द हेक्सागन्स आउट ऑफ 4mm प्लाई अप्लाइड पेंट एंड स्टक देम विद एडहेसिव ऑन द वॉल एंड द रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स. अगर हमें क्लियर ब्रीफ दिया जाए तो हमें पता चलता है व्हाट डायरेक्शन टू वर्क इन. बट यहाँ द ओनली ब्रीफ वी हैव गॉट इज मुझे एक अच्छा घर चाहिए जिसमें वाव फैक्टर हो. वी हैव डन आवर बेस्ट बट फैमिली को ये पसंद आएगा? आइदर वी हैव गॉन कम्प्लीटली राइट और कम्प्लीटली रॉन्ग. फैमिली इज ऑन देयर वे एंड आई रियली कांट वेट टू सी द रिएक्शन ऑन देयर फेस. DIY के लिए हम एक्सेसरी होल्डर्स बनाने वाले हैं. इसके लिए आपको चाहिए किसी भी साइज की फोटो फ्रेम, आई प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सेलोफीन टेप, डिफरेंट टाइप के गिफ्ट रैपिंग पेपर, स्टील हुक्स और ड्रिलिंग मशीन. एक्सेसरी होल्डर बनाने के लिए सबसे पहले एक फोटो फ्रेम ले और उसे टेबल पे उल्टा प्लेस करें. अब गिफ्ट रैपिंग पेपर को फोटो फ्रेम पे प्लेस करें. फोटो फ्रेम के साइज के अकॉर्डिंग गिफ्ट रैपिंग पेपर के चारों कॉर्नर्स पेन से मार्क कर ले. एक्स्ट्रा पेपर को मेजरिंग स्केल की हेल्प से नीटली कट कर दे. अब सेलोफीन टेप से गिफ्ट रैपिंग पेपर को फ्रेम के बैक एजेस पे इस तरह स्टिक करें. फोटो फ्रेम को टर्न करें और फ्रेम की अपर एज पे मेजरिंग स्केल से इक्वल डिस्टेंस पे मार्क्स बना ले. इन मार्क्स पे हम ड्रिलिंग मशीन से होल्स करके स्टील हुक्स फिट करेंगे. सेफ्टी फर्स्ट, ड्रिल करने से पहले आई प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहने ताकि ड्रिल करते टाइम डस्ट आपकी आईज में ना जाए. अब ड्रिलिंग मशीन से मार्क्स पे किए पॉइंट्स पे इस तरह ड्रिल करें. ड्रिलिंग मशीन यूज करने से पहले सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ले और इसे बच्चों के आसपास ना यूज करें. ड्रिल करने के बाद फोटो फ्रेम कुछ ऐसे दिखेगी. अब स्टील हुक्स ले और फोटो फ्रेम में बनाए हुए होल्स में फिट करें. और अब हमारा एक्सेसरी होल्डर तैयार है. एक्सेसरी होल्डर में आप चेन्स, नेकलेसेस और इयररिंग्स हैंग कर सकते हैं. इस तरह से आप डिफरेंट पैटर्न के एक्सेसरी होल्डर्स भी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये बैंगल होल्डर. इस एक्सेसरी होल्डर में हमने फ्रेम के एजेस पे दो स्टील हुक्स लगाकर एक पेंटेड वुडन स्टिक ऐड की है. Isn't it lovely? Living room is working really well. The sofas are looking outstanding. Most importantly, I have cracked this bed in the children's room perfectly. Wow. Wow. Oh my God. OMG. Oh, that's amazing. My sister room is standing here, Sachi. Well done. Thank you. Good job. पिछले साल मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे. वाओ, ये सच ये भी नहीं सोच कि बहुत ही अच्छा है सच में.
घर में घुसते ही सबसे पहले नजर मेरे ब्लू सोफा पे गई, जो इतने सालों से काले रंग का सोफा देखती आ रही थी, उससे मुझे छुटकारा मिला। एंड सेकेंड वन, जो वॉल एकदम वाव हो गई थी, प्लेन था, नाउ अब डिजाइनर वॉल बन गई थी। कीती, जैसे आपको चाहिए था सेपरेट एरिया फॉर ट्यूशंस, सेपरेट एरिया फॉर फैमिली लाइफ। बिल्कुल। तो आपके जो ट्यूशन के बच्चे आएंगे, दे विल नॉट बी लुकिंग इन और इंटरप्टिंग योर पर्सनल लाइफ। बिल्कुल, वैसा ही है। अभी मतलब अभी तक हमने जो सफर किया था अलग अलग बैठ के, वो अब परफेक्ट एंटरटेनमेंट जोन हो गया ये। बिल्कुल, हमारे लिए, फैमिली के लिए बहुत बढ़िया सीटिंग। आते ही द फर्स्ट थिंग मिस्टर मिश्रा नोटिसेस इज हाउ वी चेंज द लेआउट एंड क्रिएटेड व्हाट ही कॉल्स टू ज़ोन्स। आई थिंक ही रियली लाइक्स इट। अरे, ये कहाँ से आया अभी? दैट मिस्टर मिश्रा विल आंसर फॉर यू। अब आपको सरप्राइज तो देना ही था, एक के बाद एक। अल्टीमेटली मेकओवर हो रहा था, तो शुरुआत तो वो बड़े टीवी से होनी थी। बिल्कुल। तो मेरी तरफ से ये सरप्राइज है। थैंक यू। नए घर में नया टीवी, वो भी मेरे हस्बैंड का गिफ्ट। वाओ, ये तो डबल सरप्राइज था। कीर्ति, आपके लिए देयर इज वन मोर स्पेशल सरप्राइज। ओह, मुनिंदा, कैन यू हेल्प मी प्लीज? श्योर। घर हो तो ऐसा, ये बा फैमिली टाइम, ट्यूशन टाइम, ट्यूशन टाइम। ओह, टू इन वन। थैंक यू। सो सुपर। हाय ट्यूशन। मैं हमेशा से चाहती थी बुद्धा का पोर्ट्रेट या स्टैचू मेरे घर में हो, वो आखिर आ ही गया। फिर तभी विशाखा ने कहा कि इसमें और ट्विस्ट है, तो मैं सोची और क्या हो सकता है। फिर जैसे ही उन्होंने टर्न करा, तो वो ट्यूशन के लिए भी था एंड डेकोरेशन के लिए भी था, तो मेरे लिए और क्या था, तो सोने पे सुहागा। कीर्ति, आपको याद है जब हम यहाँ आए थे एंड वी वर टॉकिंग टू यू एंड आस्किंग यू कि आपको कैसा घर चाहिए? आपने कहा अच्छा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि घर हो तो ऐसा? बिल्कुल ऐसा। आई एम हैप्पी टू हियर दैट, वेरी हैप्पी टू हियर। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मेकओवर इज that we have gone from ghar ho to aisa question mark to ghar ho to aisa tick mark. Woh na saavan mahina khatam hua and Shankar Parvati aake mujhe na aashirwad deke gaye last mein. 16 saal ki tapasya puri hui iski. Aur sach mein main Shiv Parvati ko bahut manti hu aur mujhe lagta hai ki Munindar and Vishaka Shiv Parvati ke roop mein aaye, mere ghar ko makeover diya और मेरे इतने सालों की दबी हुई इच्छा को पूरा किया। आई थिंक बच्चे बहुत ही एक्साइटेड होंगे अपना कमरा देखने। यस, सो विद योर परमिशन कैन वी टेक देम फर्स्ट प्लीज? कम ऑन, गो। चिल्ड्रन, यू कैन ओपन योर आईज नाउ। My God, wow. This is lovely. I love the wall. Your design और ये color मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो पूरा room ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। हमारे सामने बहुत सुंदर room था। इतने अच्छे colors use किए थे। वो pattern तो मुझे बहुत सुंदर लगी। That was my favorite color. I like this. मेरे लिए? Yes, absolutely. It's for the diva. The main problem of the book storage के लिए वो बहुत अच्छा है, और हम तीनों के लिए डेस्क सबसे मेन थिंग, द बेस्ट थिंग इन द रूम। Fabulous. Thank you so much. You're welcome. वेरी वेलकम। और इतना जगह खुल गया है, आप भरतनाट्यम प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपने क्रिएटिव टॉयज बना सकते हो, आप ड्रेसिंग कर सकते हो, राइट? यस। ओनली डाउन साइड इज इट्स अ सिंगल बेड, सो योर ओल्डर सिस्टर गेट्स इट, आप दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। नो No. How can the diva sleep on the floor? It's a good point. Now watch the transformator transform this. Tum log idhar aao. Come, 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 come. Ready? Yes. Ooh. Wow. Excellent. This is for you, Deep. कौन आपको लात मारता था? Diva. मैं आराम से सो सकता हूँ. Absolutely. Very nice. And the last one.
Wow. Oh my God. Oh wow. This is yours and that is yours. Thank you. पहले तो मुझे लगा वो एक ही है पर जब उन्होंने खोला सब तीन हो गए एक ही बेड में से तीन निकले तब मुझे बहुत अच्छा लगा वो बहुत सुंदर भी दिख रहा था अब उस पर हम सेपरेटली भी सो सकते हैं और आराम से भी Very much nice. Go, check it out. Come on. Hop on. Wow. I'm really very comfortable here. वो बेड की वजह से मेरे रूम में बहुत सारी स्पेस आ गई है अब मैं उधर जी भर के खेल सकता हूँ मैं अपनी क्रिएटिव थिंग्स बना सकता हूँ और मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकता हूँ प्लीज शेयर फॉर मनिंदर अंकल एंड विशाखा आंटी हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे थैंक यू वी लव यू थैंक यू वी लव यू टू आपके पेरेंट्स को आपको कमरा दिखाना है yes. भेज दें हम उनको बट यू हैव टू रिमेम्बर टू शो देम एवरीथिंग प्रॉपर्ली चलो लेट्स गो बच्चों को अपना कमरा बहुत ही पसंद आया दे रियली अप्रिशिएटेड एंड वी वर वेरी एक्साइटेड टू शो टू देयर पेरेंट्स बट वी फेल्ट दैट लेट देम हैव अ प्राइवेट फैमिली मोमेंट सो वी लेफ्ट द रूम और हमने मिस्टर और मिसेस निशा को अंदर भेज दिया अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो जकास थ्री बेड्स मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था तीनों को एक ही बेड पे एडजस्ट करना वो अब सॉल्व हो गया था क्योंकि तीनों को अपने अलग अलग बेड मिल गए थे और उस वजह से बेड के अलग अलग बेड होने से उनको एक स्पेस भी मिल गया था कैसा लगा आपको ये बहुत ही मस्त तुम लोग हैप्पी बहुत मस्ती मस्ती अब तो है एंड थैंक यू जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही कीर्ति हैप्पी बहुत आपकी जो सब प्रॉब्लम्स थी ये रूम में तीन बच्चों के लिए तीन बेड्स तीन बच्चों के लिए स्टडी करने की जगह सबको खेलने और अपना डांस प्रैक्टिस करने की जगह वी हैव मैनेज टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स बिल्कुल 101% 101% एंड यू किड्स आर हैप्पी यस वेरी हैप्पी जितना हमने बोला था आपने सब रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया थैंक यू और वो भी तीन दिन और 20,000 रुपीज में और मैं एक बात कहना चाहूंगा आपने तीन गुनी जगह कर दी कमरे में थैंक यू यू गाइस आर रियली गुड जॉब थैंक यू नाउ हमें आप जाने दीजिए एंड ऑल ऑफ यू एंजॉय द रूम Thank you. My room is the bestest of all. जो पहले वो मैसी सा रहता था अभी वो बिल्कुल नहीं है वो पूरा की पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है मैंने इतने कमरे देखे हैं इतने फ्रेंड्स के घर गई हूँ पर ऐसा बेड मैंने कहीं नहीं देखा मैं अपने इस घर के मेकओवर से बहुत खुश हूँ और अब मैं सभी को प्राउडली कह सकती हूँ कि घर हो तो ऐसा अगली बार हमारे डिजाइनर्स जाएंगे पुणे में रिटायर्ड आर्मी कर्नल क्लेरेंस करवालो के घर कर्नल आर्मी में कम से कम चीजों में अपनी लाइफ जीते थे और उनकी फैमिली आर्मी क्वार्टर्स में रहती थी पर कर्नल के रिटायर होने के बाद जब फैमिली अपने इस घर में शिफ्ट हुई तो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स बदलने लगी मेकओवर की डिमांड बहुत समय से आ रही है और मैं इसको डिले करते जा रहा हूँ लेकिन अब ये नाराजगी में बदल रही है एक फादर के हिसाब से ये बेडरूम में दो बच्चों के लिए सब कुछ है बट फॉर टू यंग गर्ल्स बहुत कुछ नहीं है आई होप कि उन्हें उतना ही पसंद